أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. सलादीन अनामीिन सबसे पहले अपना फ़र्ज समझता हूँ कि शक्रिया अदा करूँ उन तमाम तरज दारानसैनी से जिन्होंने कल अरबैन के दिन अरबैन हुसैनी के इस अज़ीम रैली में जुलूस में मशी अरबैन में शिरकत की और इस पुर अम जुलूस के जरिए इस अकीदत और जज्बे से बढ़ा हुआ जुलूस के ज़रिए एक ज़ोरदार तमाचा मारा मक्का ब्रिटिश गवर्नमेंट को अमेरिका और इसलाइली खबी गवर्नमेंट और हुकूमत को और ये सबित कर दाला कि व मकर व मकरल उन्होंने भी मकर किया लेकिन ख़ुदा के मकर के मुकाबले में उनके मकर की क्या हैसियत है सियत? उन्होंने मकर किया शिया सुनने के दरमियान इख्ताफ़ डालने की कोशिश की लेकिन खुदावंद मताल ने इस अजमत हुसैनी को जो पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रहा था कल पूरी दुनिया को दिख डाला दिखा डाला और ये तारीख में सब्त हो गया कि हुसैनी फ़िक्र आज भी हमारे रगों में हमारे खून में जारी है और खुदावंद मताल से दुआ है कि खुदावंद मताल तदम मर्ग हमें हुसैनी आज़ादार रहने की तोफ़ी इनायत फरमाएँ हमारी गुफ्तगु क़ुरान मजीद की तफसीर तफसीर तस्नीम हज़रत आयतमा जवादी आमफ़ुल्ला की लिखी हुई किताब तफसीर तस्नीम में जारी है और इस सिलसिले का आज तीसरा दरअसा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है सूर्य मुबारक अम की पहली आयत बरमान जिसमें ये बयान किया जा रहा है कि हर काम को खुदा के नाम से शुरू किया जाना चाहिए कुरान करीम असमाय खुदा सुबहान के कुछ मारफ और अहकाम बयान फरमा रहा है जैसे कि खुदा का नाम खुद खुदा की जात की तरह मुक़दस नाम है मुनजा है और बरकत के नजूल का बायस है खुदा के नाम के हवाले से दो जिम्मेदारियाँ इंसानों पर आयद होती है पहली जिम्मेदारी खुदा के नाम की तस्बी फसपरब बिखल अवीम यसूर आला की पहली आयत आहला। खुदा की तस्वीर और ते और है कि बा, ना बातिल कामों के लिए खुदा के नाम को लिया जाए और न ही हक काम में खुदा के नाम से गफलत की जाए और न ही खुदा के नाम के साथ किसी और का नाम लिया जाए बिल्कुल इसी तरह इलाही की तस्वीर और तकदीस का यह तकाजा है कि इस मुबारक जात को हर किस्म के नक्श से पाक माने और इस मुबारक जात को हर काम के आगाज और असर बख्शने वाला माने हर काम का अख्ताम माने और इस जात मुबारक के साथ किसी और जात को मुस्तकिल न माने और खुदा के नाम की तनजीह और तकदीस का एक मरतबा यह भी है कि ना तो खुदा के नाम के साथ ना तो खुदा के नाम के जेल में खुदा के साथ किसी और का नाम न ना लिया जाए और ये काम जो कुछ ना लोग करते हैं कि यूँ कहते हैं कि पहले खुदा पह से और सेकेंडली शख्स से मांगता हूँ फर्स्ट सेकेंड फर्स्टली खुदा से मांगता हूँ और सेकेंडली फ्रेंड फ्रेंड से मांगता हूँ सबसे पहले खुदा से मांगता हूँ सेकेंडली फैमिली से मांगता हूँ ये खुदा के साथ किसी और ना का ना नाम लेना इसका ये मतलब हो रहा है कि खुदा वो ज़रूरत मुकम्मल तौर तो पर पूरी नहीं कर पा रहा और हम दूसरों के मोहताज बन रहे एक तरह से खुदा की तोह है खुदा वो अव्वल है जो सानी नहीं रखता हमारा पूरा तवक्ल

और नाजिल होने का सबक पहचान वा रहा है जो खुदा के नाम की हकीकत तक वासिल हो गया खुदा के नाम की हकीक़त तक पहुंच गया तब जब वो अल्लाह के नाम अपनी जबान पर लाता है उसको तलफ़ुज करता है अल्लाह के नाम को वो शख्स वो काम कर सकेगा जो खुदा कु के बाद करता है खुदा खुदाने मुताल जिस काम का इरादा करे और कन के जरिए उस काम का हुक्म दे वो काम फौरन से हो जाता है खुदा जैसे ही किसी काम का इरादा करता है खुदा के काम का इरादा करना वहीं और वो फेल का वकू पजीर हो जाना वहीं ऐसा नहीं कि खुदा का पहले इरादा करो फिर बाद में वो काम वकू पजीर हो जिस तरह हमारे इरादों में हुआ करता है कि हम पहले इरादा करते और बाद में हमारी तरफ से वो फेलूफ़ वकू पजीर होता है नहीं खुदांद मुताल जैसे ही इरादा करता है वैसे ही ओफेल वकू पजीर हो जाता है इसी तरह वो खुदा का अब्द कामिल जिसने अपने आप को खुदा के लिए खालिज कर दिया हजरत नूह की तरफ हजरत नूह ने खुदा के नाम के जरिए इस दरिया में दरिया की तरीन मौजों में अपनी कश्ती को चलाया अपनी कश्ती को रोका बिसमिल्ला पढ़ते थे उनकी कश्ती चलना शुरू हो जाती थी बिसमिल्ला पढ़ते थे उनकी कश्ती रुक जाती थी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्ला के जरिए उनकी कश्ती हिदायत होती थी और चलती थी तो इसमें क्या वजह इसके इसके क्या राज छुपा हुआ हैब्राहिम जैसे बनते जब बिसम्ला पढ़े तो आताश गुलिस्तान बन जाए हजरत नूह जैसे बंदे जब बिस्मिल्लाह पढ़े तो साख्त तरीन तूफानों में अपनी कश्ती की हिदायत कर सके अपनी कश्ती को चला सके इसकी क्या वजह है इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने इरादों को अपनी ख्वाहिश को खुदा की ख्वाहिशात में फ़ानी कर दिया मशीयत इलाही में फ़ानी कर दिया और इस फना की यह निशानी है कि खुदा के इरादों के मुकाबले में किसी किस्म की ख्वाहिश नहीं रखते अलबतः ये बात वाजह है कि ऐसा करना सिर्फ अलिया खास से इलाही बस में, नहर बस्मिल्ला पढ़ने वाले के बस में और ये समझ बैठना कि इसमें आज़म्ल सिर्फ एक खास लफ्ज है जिसे हर कोई अपने जबान पर ला सकता है ये तो अफसाना है, ये तो कहानी हो जाएगी ये बसमन रहीम एक ख़ास लफ्ज सिर्फ एक लफ्ज नहीं एक हकीकत है और जिस क़दर इंसान अपने इंसानियत के मकामात को उर्ज देगा उतना ही ज़्यादा ख़िलकत में तसिर रख, रख सकता है इस आलम तकवीन में तसर रख सकता है ऐसा नहीं कि तो इंसान बराबर हो ऐसा नहीं कि नमरून और नमरूद और फ़िर बरा और इब्राहिम बराबर हो ऐसा नहीं कि फ़िर मूसा बराबर हो और ऐसा नहीं कि ट्रंप और रहबर बराबर हो ऐसा नहीं कि ट्रंप और सिस्तानी बराबर हो नहीं दो इंसान बराबर नहीं हो सकते जिस क़दर इंसान अपने इंसानी कदर व ताकत को इंसानी मकामात और दर्जात को बुलंद करेगा उतना ही ज़्यादा इस आलम तकवीन पर इस आलाम ख़िलकत में तसीर लग सकेगा

जब खलीफे सालिस के ज़माने में तीसरे खलीफे के ज़माने में जनाब अबूज़र रहम्ल को लबज़ा भेजा जा रहा था मुल्क से बदल किया जा रहा था तो एक अच्छे ज़माने के खलीफा ने जनाब अबूज़र के, के बदरक करने से मना कर रखा था लेकिन फिर भी मौलान मौमिन वसमाम और हसनैन आलैम सलातम और कुछ कुछ खास सहाबी भी जैसे अकील इस मौके पर बदरक़े के लिए मौजूद थे तो उस वक्त मौला मौलान अमीरमिन ने एक जनाब अबूजर से एक नसीहत बयान फरमाई और वह नसीहत ये थी कि वह खुदा की कसम अगर आसमान और जमीन के दरवाजे आप पर बंद कर दिए जाए और वो बंदा फिर भी तकवाही को अख्तियार करे तो खुदा उसके लिए रास्ते खोल देगा फला यू उनने सोचा लिहाजा बस हक की याद से मानूस रहना और बातिल से ना घबराना लिहाजा हमें भी चाहिए कि आम अस्बाब और वसायल पर जिनको खुदा ने अपने फैज का एक राह करार दिया है उन पर मुकम्मल भरोसा ना करे और भरोसा करे तवक्ल करे अहतमाद करे तो बस खुदा ही पर तोल करे और अहतम करे और जो तवक्ल के आला मकाम पर पहुंच गया और फायज हो गया उससे आज, इसमें आजम इस इलाही के एक मिठास को दर्द कर पाएगा इस कायनत में जहाँ अल्लात तो मालूम का निजा, इल्ला तो मालूल का निज़ाम हाजम है जहाँ पर हर हादसे का कोई ना कोई सबब होता है इस निज़ाम के मुताबिक हम चल रहे इस मालूल के निजाम को जानते हुए हम बसा अवकात ऐसा होता है कि कुछ माली है कुछ मालूल है कुछ हवादिस है उनकी इल्लतों को जानते हैं लेकिन हम देख रहे होते हैं कि इल्लत हादिस नहीं हो रही इल्लत पूरी नहीं हो रही वो सब नहीं हो पूरा हो रहा लिहाजा हम मालूल के हादिस होने से उस हादसे के वकू पजीर होने से नाउमिद हो जाते हैं लेकिन एन मुमकिन है कि उस मालूल के उस हादसे के कोई दूसरी वजह भी हो कोई दूसरी इल्लत भी हो कोई दूसरा सबब भी हो जिसके बारे में हम ना जानते हो और एन मुमकिन है अगर हम खुदा पर तवक्कुल करें खुदा हमारे लिए उन रास्ते खोल दे उन इल्लतों को हमारे लिए जाहिर कर दे कि मालूल वाजह तौर पर हादिस हो जाए मालूल वगू पजीर हो जाए वो रिस्क हासिल हो जाए जिस जगह से जिस जगह का हम एहतमाल तक भी ना दे सके गुमान तक भी ना कर सके तक यह जो मखड़ा जाओ उस जगह से खुदा रिज दे जिस जगह से हम उसका तस्वर तक भी ना कर सके, उसका गुमान भी ना कर सके और इस आय करीमा के हवाले से एक आखिरी नुकता आपकी खदमत में पेश है कि खुदा की तरफ नस्पत दी जाने वाली सिफात महदूदियत के नक्स से मुबर और मुनज है खुदा की सिफात में किसी कस्म की महदूदियत नहीं पाई जाती और ख़ुदा की सिफात लामहदूद सिफात है लिहाजा वो कमाली सिफात जो इंसानों में पाई जाती है जैसे इंसान आलिम है जैसे इंसान कातर है जैसे हम हई है, है। वही कमाली सिफात खुदा में भी पाई जाती लेकिन एक फ़र्क के साथ इंसान में जितनी कमाली सिफात है वो सब के सब महदूद हैं उनमें से कोई भी अनलिमिटेड नहीं उनमें से कोई भी लामहदूद नहीं जबकि खुदा में जितनी भी सिफात है वाज है कि खुद खुदा कमाल मतलक है और हर सिफत जो खुदा के अंदर पाई जाती है तो कमाली सिफत पाई जाती है ना कि नक्स वाली सिफत जितनी भी सिफा खुदा के अंदर पाई जाती है वो कमाली सिफात उनके अंदर किसी कस्म का हद्द हज नहीं पाया जाता वह तमाम तर सफात लामहदूद सिफात है ये हम है जो हमारे अंदर जो सिफात पाई जाती है वो महदूद सिफात होती है जो खुदा के अंदर जो सिफात पाई जाती है वो लाहद सिफात हुआ करती है मिसाल के तौर पर इंसान में जो रहमत की सिफात पाई जाती है जब इंसान के अंदर कोई रिक्क़त की हालत पैदा होती है जब इंसान किसी दूसरे इंसान के हवाले से दिलसूस होता है और तलाहम की हालत इंसान के अंदर पैदा होती है तब वह इंसान दूसरे इंसान की मदद के लिए भागता है लेकिन खुदा ऐसा नहीं है खुदा ऐसा नहीं कि खुदा के अंदर तरह जैसी हालत पहले पैदा हो ईजाद हो तब खुदा किसी पर रहमत नाजिल कर नहीं खुदा हर एक पर रहमत नाजिल करता है खुदा हम जैसा नहीं खुदा के अंदर किसी किस्म का नक्स नहीं पाया जाता इसी तरह दूसरी मिसाल इम के हवाले से कि हमारा एल्म, हम अपना जो इलम रखते पहले नहीं रखते थे और अब भी जो इल रखते हमारा महदूद है तो हमारा इलम सविक भी इसका जहल है म नहीं रखते थे फिर बाद में इलम रखना शुरू किया हमने इल्म आलिम हुए हम कुरान की आयत वन बुतु नश्रा ने जब इंसान को हल किया किसी चीज के बारे में नहीं जानता था इंसान बाद में आलिम बना और साथ ही लाहक में बाद में हम उस इलम को बुला बैठते कितने सारे इलम बुला बैठते हैं लाहक में हमारे ऊपर नसीान की हालत ताड़ी होती है तो खुदा इल्म वो इल्म है जिसका ना तो सावका जहालत था ना तो लाहे का निशान फरामोशी है खुदा के अंदर इनमें से कोई भी हालत नमोदार नहीं होती वो हमारा इल्म है जो हम इल्म नहीं रखते बाद में आलिम बन रहे जो हम कुदरत नहीं रखते बाद में कादे बन रहे जो हम हयात नहीं रखते बाद में हई बन रहे खुदा शुरू से ही था शुरू से ही कुदर रखता था शुरू से ही हयात रखता था बल्कि खुदा आलम नहीं खुदा के लिए दगी अला इस अगर इस्तेमाल करना चाहे तो यूं होगी खुदा है क्योंकि खुदा के अंदर जो सफात कमाली है वह खुदा की तो खुद अगर है तो आलम तो नहीं बल्कि म है खुदा कादिर नहीं एन कुदरत है खुदा हयात नहीं रखता खुदा एन हयात है यह खुदा के अंदर की सिफात तो हमारे अंदर कीफात और खुदा के अंदर जो कमाली सफात है इसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क है हम सिफात नहीं रखते थे

हमें गुनाहों से बचने की ऐसी तौफीक इनायत फरमाए कि हम भी इंसानियत के उन बुलंद मकामात को तय कर सकें और उस मंजिल पर फायज हो सके कि हम भी इसमें आज़म इलाही की इस मिठास को अपने हद तक ही सही दर्द कर सकें और चख सके खुदाक़ाल हमें तौफीक इनायत फरमाए रज़ाकल्लैक्म इनशा वसलम आलकम वर हम वबरकू